निर्दलीय एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी महेश्वर सिंह ने शिक्षा मंत्री को भरी सभा में हिजड़ा कह दिया और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो गई है। और महेश्वर सिंह के इस बयान से कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जदयू और राजद में सब कुछ ठीक नहीं है। जिनको राम चरित्र मानस के बारे में ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। राम चरित्र मानस क्या बताता है? क्षत्रिय धर्म क्या है? माता और पिता से संबंध कैसा हो? भाई भाई का संबंध कैसा हो? गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो? पति और पत्नी का संबंध कैसा हो? हमें संस्कार सिखाता है, हमें बड़बोला ही नहीं सिखाता है। तो ऐसे जो रामचरित मानस पर बोलने वाले लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, वो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सवाल साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग, हम जात पात करने वाले लोग नहीं है। हम जात पात करने वाले लोग नहीं है, नहीं तो भगवान राम सबरी के जूठे पैर नहीं खाते। साथियों, महाराणा प्रताप जो लड़ाई लड़ रहे थे, धन की कमी हुई तो भामाशाह ने धन निकाल कर दिया। वीर कुंवर सिंह के सेनापति मुसलमान सेनापति थे, इसलिए साथियों भगवान राम जब लड़ने गए तो ही वनवासी उनका साथ दिए। हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमें आगे बढ़ता है, जो हमें आगे बढ़ता है हमारे समाज में, वो पांच दस वर्ष के बाद में जेल में बैठाता है। मैं सरकार के लोग बैठे हैं, मैं मांग करूंगा कि आनंद मोहन जी को रिहाई किया जाए। पद्मनाथ बाबू जेल में बंद है, विजय कृष्ण बाबू को रिहाई होकर आ गई। न विजय कृष्ण जी हत्या करने गए थे, न पद्मनाथ बाबू किसी विधायक को मारने गए थे, न आनंद मोहन किसी डीएम को मारने गए थे, उसके बाद भी जेल में कौन सा नीति। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम चरित्रवान लोग हैं, हम लड़ाकू लोग हैं, इसी समाज में रहते हैं और समाज की भलाई का काम करते हैं। नौजवानों, आपकी जिम्मेवारी है, आपको संभालना है। दुष्यंत ने लिखा है, राक्षस लावा मंजर भी आएगा। अरे नौजवानों, समय बदलने वाला है, राक्षस लावा मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रुक मत मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। आपके हाथ में है, आगे बढ़िए। आए नौजवानों, अपने हक और हकूक के लिए जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी राजनीतिक हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका नमन।